हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो हमने कुछ प्लांट की शॉपिंग की है धनबाद से, तो वो आपको दिखाते हैं। धनबाद में बहुत बड़े बड़े नर्सरी हैं और बहुत ज़्यादा नर्सरी भी हैं, तो वहाँ पे हमने लिया है। ये है पिंक टिकोमा, मेरे पास ऑरेंज कलर का पहले से है। ये है ब्लू मून रोज़, बताकर दिया है। पिक में वैसा कलर नहीं आ रहा है जैसा असल में है ये। और ये है बाई कलर रोज, और ये है वीनस तारा, इसकी बेल होती है। और टर्टल वाइन, मुझे दो तरह का टर्टल वाइन दिया है, मुझे कुछ का नाम तो नहीं पता लेकिन अच्छा लगा है तो मैंने ले लिया है। और कुछ सीजनल फ्लावर्स के सीडलिंग्स भी हमने बाय किए हैं, जिसमें ये है सनफ्लावर के सीडलिंग्स, करीब 5 या 6 होंगे। पर पीस 5 रुपीज़ का या 6 रुपीज़ का आता है। और ये जीनिया का, साथ ही कुछ कॉस्मिया के भी सीडलिंग्स लिए हैं। दूसरी तरफ हमने कुछ पॉट्स ऑर्डर दे के बनवाए हैं। हमें पता चला बगल वाले गांव में पॉटर यानी कुम्हार रहता है, तो हमने उसे बुलवा भेजा और मेरे पास जो पॉट थे उसे दिखाकर इस तरह से बनाने के लिए कहा, तो हमें बनाकर दिया है। और ये 5 इंच बाय 5 इंच का ही है और काफ़ी थिक है ये, मुझे बहुत पसंद आया। इन्हीं सब पॉट्स में हम इन फ्लावर्स को अभी लगाएंगे। और इस वक्त मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा पिंक प्लांचो की छटा बिखर रही है। मेरे पास एक ही प्लांचो है पिंक कलर का, इतने सारे फूल खिले हुए हैं और मानो जैसे लग रहा है छोटे छोटे गुलाब हों। वॉकवे में साइड में रखा हुआ था, हमने उठाकर इसे अभी बरामदे में रख दिया है। हार्डली ये पौधा 1 फुट भी ऊंचाई का नहीं है लेकिन फूलों से भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे गुलाब्स को एक जगह जमा करके रख दिया हो। आने वाले साल में मैं इसकी कटिंग लगाने की कोशिश करूंगी। ये फ्लावर और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड एंजॉय कीजिए।